नए साल में एक काम तो करना है मुझे, कि अपने सुकून के साथ पीट नहीं करना, जिन्हें यकीन नहीं मुझ पर उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। अभी जो प्रीव्यू पे आपने वीडियो देखा, इस टाइप का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, ग्लो इफेक्ट वाला। तो इस टाइप के वीडियो को हम कैसे बनाते हैं, इंस्टा पे शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप के वीडियो को आप एकदम ईजी स्टेप में कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, कैपकट और VPN। VPN आप कोई भी यूज कर सकते हो, सिक्योर VPN भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे थंडर VPN यूज कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो हम इंटरनेट को ऑन कर लेंगे, अपने डाटा को, उसके बाद इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो VPN यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम बैक चले जाएंगे, कैपकट को ऑन कर लेता हूँ मैं। आपको कैपकट को ऑन कर लेना है, आप लेटेस्ट वर्जन कैपकट गूगल से डाउनलोड कर लेना, आपको प्ले स्टोर पे ये नहीं मिलने वाला। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट को जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियो सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैंने एक वीडियो पहले से एडिट करके रखा है, मैं बस उस वीडियो को सेलेक्ट करके आपको ये ग्लो इफेक्ट है वो दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो वीडियो को यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, कौन से वीडियो को हमें यहाँ पे लगाना है। मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ये रीडायरेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। सो मैं स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसे ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम करके इस वीडियो से हटा देते हैं। यहाँ से मैं आपको ग्लो इफेक्ट दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के ऊपर अभी देख सकते हो आप, कोई भी ग्लो इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। आप जब गौर करोगे तो स्काई के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ईजी स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इफेक्ट के ऊपर जाना है। उससे पहले अगर आप इसमें थोड़ा सा कलर ग्रेड करना चाहो तो यहाँ से आप थोड़ा आगे चले जाना, आपको यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, फ़िल्टर पे आप चले जाना। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ एक फ़िल्टर, जिससे ग्लो इफेक्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। तो आपका VPN यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो आपके सामने ये खुल के आ चुका है। यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जाना है और एक सीनरी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आपको मोडी फॉल आप प्रो लिखा हुआ है वहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा ये टाइम लेगा बट ये अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वेट करना थोड़ा सा। देख सकते हो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, इस पे ये मोडी फॉल मैंने अप्लाई किया है। आप भी यहाँ पे अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हो, मैं इसे 80 के आसपास रख लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ से आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे जब आप इफेक्ट को सेलेक्ट करोगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप चले जाना। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग पे भी आपको दिख जाएगा, लेकिन जो इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको लाइट इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको प्रो में दिख जाएगा। बस आप देखना, मैं एक क्लिक करूँगा और वीडियो के ऊपर वो इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ड्रीमी ग्लो करके एक इफेक्ट है, बस क्लिक किया कि अपने सुकून के साथ कुछ भी ग्लो को जितना आप रखना चाहो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, रेंज को थोड़ा सा और हाई पे रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसे। साइज को आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से यस कर देना। उसके बाद टिक करने के बाद इसे पूरे टाइमलाइन पे आप ऐसे कर लोगे। ये लास्ट में जो वाटर मार्क है इसे आप यहाँ पे डिलीट कर देना। अब आप फाइनल वीडियो देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। नए साल में एक काम तो करना है मुझे, कि अपने सुकून के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो नए साल के लिए सोचा है कि जो गलतियां हो गई उन्हें रिपीट नहीं करना। तो बिफोर एंड आफ्टर आपने देखा कि वीडियो में कितना ज़्यादा कलर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा ग्लो कर रहा है वीडियो। सो होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर यहाँ से वीडियो को अपने क्वालिटी में आप ऐसे 4K पे ला कर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।